पूर्वांचल के रॉबिनहुड कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर टिकट काट दिया है, तो वहीं इसी पर एक मुहावरा याद आ रहा है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। कुछ ऐसा ही हुआ अब्बास अंसारी के साथ। दरअसल अब्बास के पीछे योगी सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ गई। एसटीएफ ने शिकंजा कसते हुए अब्बास के खिलाफ एक्शन लेने के मन बना ली है। कहा जा रहा है कि अब्बास के पास ने अपने एक शस्त्र लाइसेंस पर 5 असले खरीदने की गैर कानूनी काम किया है। जब इस पर पूरे मामले की जांच की गई तो एसटीएफ ने मुख्तार के बेटे को नोटिस भेजा है। तो वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि एसटीएफ के इस एक्शन के बाद यूपी पुलिस मामले की जांच शुरू करते हुए जल्दी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। तो वहीं लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी के आदेश पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों की एक टीम अब्बास के घर पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लटकता मिला। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब्बास के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल जिस तरह से एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मुख्तार के बेटे के खिलाफ शिकंजा कसा है, उससे आने वाले वक्त अब्बास जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।